हेलो दोस्तों, आमतौर पर आप लोगों की एक परेशानी होती है जो बड़ी कॉमन सी आती है सभी बच्चों की, सर पढ़ तो लेते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सर जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है जिनकी वजह से पूरा का पूरा सम गलत हो जाता है और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। एंजाइटी रहती है सर एग्जाम के अंदर, घर वाले प्रेशर बोलते हैं कि भैया एग्जाम में होना चाहिए होना चाहिए, और ये डर हमारे अंदर समा गया। क्या है इन चीजों का समाधान? कहने के लिए हर टीचर आपको यही बोलेगा कि बच्चों मेडिटेशन जरूर करो, लेकिन ये बोल तो देते हैं कि मेडिटेशन करो, लेकिन कैसे करो इसका समाधान आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं हमारे डॉक्टर जैकाल। डॉक्टर जैकाल एक्चुअल में एक शक्तिमान करके सीरियल आता है जो हर बच्चे ने जरूर जरूर देखा होगा, जहाँ शक्तिमान को कैसे मतलब उसके पीछे पड़े रहते हैं डॉक्टर जैकाल और उससे कुछ ना कुछ गलतियां करवाते रहते हैं। तो वो जो डॉक्टर जयकाल जो पावर की डिमांड करते थे, आज वो आपको एक्चुअल में बताएंगे कि कैसे आप पावर हाउस बन चुके, मतलब आप कैसे पावरफुल बन पाए, आपके अंदर कैसे पावर आए और आपसे गलतियां ना हो। तो नमस्कार ललित परिमो सर, मैं आपका प्रदीप छेत्रपाल सर के 8 लाख सब्सक्राइबर के परिवार के अंदर स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ नमस्कार नमस्कार जी। आज आप अपनी वो सक्सेस स्टोरी बताएं और बच्चों को कहीं ना कहीं वो चीजें बताएं कि कैसे मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर अच्छा एक्सेल कर पाए। और दूसरी बात सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, प्लीज आप एक जो शक्तिमान में एक डायलॉग था पावर, वो हमारे बच्चों को बोल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। पावा नहीं सर, बहुत मजा आ गया एकदम सुन के और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। तो ललित सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं ओरिजिनली तो कश्मीर से हूँ, ओके, तो सर कश्मीर जो बाद में आतंकवाद का गढ़ बन गया, लेकिन ओके मैं आतंकवादी कश्मीर बनने से पहले ही अपने करियर के लिए निकल गया था, दिल्ली की तरफ गया था। तो पहले दिल्ली में मैं 10 साल रहा हूँ, वहीं मैंने थिएटर ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद फिर आज से करीब 25-26 साल पहले, बल्कि 28 साल पहले बम्बई आया हूँ। 92-93 में मुंबई में हूँ मैं तब से। ओके okay. तो सर ऐसा नहीं रहता था जैसे आपके पेरेंट्स भी बोलते हो कि भाई जॉब करो, पढ़ाई करो, एक्टिंग की लाइन में नहीं जाना, काइंड ऑफ इस तरह का ऐसा माहौल रहता था आपके घर में? हाँ, उस रह सकता था अगर मैं घर पे ही रहता। तो मैं हाँ जब कश्मीर से निकला तब मैं 12th कर चुका था, प्लस टू मेरा हो गया था, और साइंस में ही मैंने किया था प्लस टू। तो दिमाग में क्लियर था कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है और साथ में थिएटर करना है। तो दिल्ली में मैं रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक हिस्सा है रामजस कॉलेज, वहां पे मैंने एडमिशन लिया। और घर वालों को अभी बताया भी नहीं कि मैंने साइंस छोड़ के पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। चूंकि उन दिनों बहुत ज्यादा ये सब तो थी नहीं गैजेट्स, तो हम चिट्ठियों से ही कम्युनिकेट करते थे, और हाँ साल में एक बार मिलना होता था घर वालों से जब कॉलेज की छुट्टियां होती थी। और कॉलेज की छुट्टियों के दौरान मैं अक्सर कुछ ना कुछ, मुझे बहुत से ट्रॉफीज, कप्स और सर्टिफिकेट्स मिलते थे कॉलेज के प्लेस के, तो मैं दिखाता रहता था उनको कि ये देखो, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट प्ले अवार्ड। तो धीरे धीरे उनका मन हर साल मेरी इन छोटी छोटी अचीवमेंट से बनता गया कि ये आदमी जो है एक्टिंग की ही फील्ड में जा रहा है। तो इसीलिए कोई क्लैश नहीं हुआ, हम साथ रहते ही नहीं थे। मैं दिल्ली में था, घर वाले कश्मीर में थे, साल में एक बार 15-20 दिन के लिए मिलना होता था, तो इसीलिए वो समस्या नहीं आई। रोज अगर आप रोज देखते हैं पेरेंट्स को, और अगर आप रात रात भर देर से आते हैं नाटक की रिहर्सल करके, या नाटक की कुछ प्रॉपर्टीज लेके घर आते हैं, तब पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मेरे केस में थोड़ा ईश्वर ने हेल्प कर दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो गया। और जब तक हम एक ही शहर में आए, जैसे कश्मीर के आतंकवाद के बाद मेरी मम्मी दिल्ली आ गई थी हमारे साथ रहने के लिए, तो तब तक मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया था। मेरी रोजी रोटी टेलीविजन, रेडियो, थिएटर, इस सब से चलती थी। तो देख के उन्हें भी अच्छा ही लगा, तो पेरेंट्स का सपोर्ट ही रहा, एक तरह से ही बोले कि साइलेंट सपोर्ट ही रहा, कोई बाधा नहीं आई। कोई बात और नहीं। उससे पहले भी चूंकि मैं स्कूल में अच्छे स्टूडेंट्स में ही गिना जाता था, मैं 11th 12th तक फर्स्ट फोर में ही रहा हूँ, तो परसेंटेज भी 75+, 70-75 के बीच में ही रहा। जैसा कि मैंने बताया, साइंस का स्टूडेंट था, तो ठीक था स्कूल में, अपनी जगह अच्छी थी पढ़ाई लिखाई के मामले में।
तो इसलिए भी पेरेंट्स जो है इनको उन्हें विश्वास था ये जो करेगा ठीक ही करेगा, इसको ज्यादा समझ है क्या करना है। ठीक क्या सर, आपने बहुत अच्छा किया, हम लोगों का तो बचपन बना दिया। और इवन अभी रिसेंट में भी हम लोग देखते रहते हैं, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम था जो 1992 स्कैम, उसमें भी मैंने आपका रोल देखा था, तो जी 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 वो भी मतलब बड़ा मिक्स्ड टाइप का सा आपने रोल निभाया था कि हर्षद मेहता को कैसे केसेस में फंसाना और वो सारा की सारी चीजें। लेकिन जब मैं रियल लाइफ में सर आपको जानता हूँ तो यू आर ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, मतलब जो हम रोल्स में देखते हैं, बाकी कई सारे आपने नेगेटिव रोल भी निभाए, बट रियल लाइफ में आप मुझे मेडिटेशन सिखाते हैं और भी आपके साथ दुनिया भर से इतने सारे लोग जुड़े हुए जिनको आप मेडिटेशन सिखा कर उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हमारे ये बच्चे, जैसे आपने सर बताया कि आपके टाइम पे आपने काफी अच्छा एक्सेल किया, उसका एक कारण ये भी है कि कई चीजें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी पहले, आज मोबाइल है, तरह तरह की चीजें हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो क्या ऐसा सर चीज है जिसे हमारे बच्चे अगर ज्वाइन करें और उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव हो सके सर, मतलब ऐसी कोई चीज है? हाँ देखिए, मैंने मेरा इंटरेस्ट योग में बहुत पहले ही हो गया था, अपने 21-22 साल की उम्र में ही मुझे योग से एक लगाव हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने उसको सिंसियरली स्टडी करना शुरू किया, फिर इंडियन फिलॉसफी और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा इंटरेस्ट 25-26 साल की उम्र से हो गया था। चाहे वजह जो भी रही हो, तो उस वजह से मैं स्टडी करता रहा और कई टीचर्स कई गुरुज से संपर्क किया, भगवत गीता उपनिषद वेदांत इस तरह का अध्ययन, तंत्र, इस तरह का मेरा एक सीरियस हॉबी बन गया था। अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग आई वाज सीरियसली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस। फिर एक खास वक्त में एक विधिवत तरीके से दीक्षित भी हुआ मैं ध्यान मार्ग में, तो फिर अब मेरा एक्टिंग का काम तो चलता ही रहा। और मैंने ये पाया कि योग की बहुत सारी चीजें अभिनय से या एक्टिंग से कहीं लिंक करती हैं, तो मैंने फिर इस पर थोड़ा सा विचार करके रिसर्च करके अपना एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको मैं अभिनय योग कहता हूँ। और ये इसलिए भी डेवलप हो गया क्योंकि मैं एक टीचर की तरह भी काम करने लगा था करीब 2004-2005 से। शूटिंग के अलावा जो खाली वक्त था उसमें आदमी क्या करे भाई, कई लोग जुआ खेलते हैं, कई लोग बस दोस्ती करते हैं, कई लोग सिर्फ नेटवर्किंग करते हैं या ट्रैवल करते हैं, हॉलीडेज मनाते हैं। तो मैं इसी तरह के काम में मेरा मन लग गया कि मैं टीचिंग वर्कशॉप, नए जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको सिखाओ योग की वर्कशॉप्स करता था, तो उसमें अभिनय योग मैंने इन्वॉल्व करना शुरू किया और उसके रिजल्ट्स देखे तो मुझे अच्छा लगा। मेरे रिसर्च वर्क में चीजें ऐड होती गई, दो चीजें मैंने पाई, एक तो ये कि अभिनय योग से आदमी या स्टूडेंट या किसी भी एस्पायरेंट के मन के अंदर जो दबे हुए नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा हेट है, जेलसी है, सेडिज्म है, फियर है, इस सबको अगर ड्रामा के माध्यम से आप एक्सप्रेस कर लें, बाहर फेंकें, तो आप थोड़े से फ्री हो सकते हैं और उसी माइंड के अंदर फिर आप थोड़े से पॉजिटिव थिंकिंग को डाल सकते हैं। तो एक्टिंग का काम तो यही है, जब हम कैमरे के सामने या ड्रामा में एक्टिंग करते हैं तब हम किसी न किसी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस करते ही। दूसरा मैंने ये पाया कि एक्टिंग के स्किल से अगर एक स्टूडेंट उसको सीखेगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकता है, बिकॉज एक एक्टर को आए दिन लाइंस याद करना पड़ता है, सीन्स याद करने पड़ते हैं, चाहे वो सेट पे ही मिलते हों वो अलग बात है, लेकिन उसकी मेमोरी धीरे धीरे शार्प हो जाती है, तो मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है उसकी। तो ये भी मैंने पाया कि अगर हम इस तरह से नॉन एक्टर्स को भी ट्रेन करें, स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर जो उससे बड़ी बात है, अगर हम अच्छे से ठीक उम्र में, खासकर 18-19 साल की उम्र से ही ध्यान सिखाएं, ध्यान बहुत पावरफुल टूल है एक, और आप ध्यान के माध्यम से ही हायर पावर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्ट होने वाली टेंडेंसीज हैं वो कम हो जाती है। तो अभिनय योग के तीसरे फेज में हमने ध्यान की क्रियाओं को, ध्यान के प्रोसेस को रखा और उसके भी रिजल्ट्स देखे बहुत लोगों के बीच में प्रैक्टिस करते हुए। तो यही है कि माइंड फोकस हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और चूंकि मकसद है कि अगर आप 24 घंटे में से 12-14 घंटा काम करते हैं तो जिस वक्त जो कर रहे हो तब उसी में तल्लीन हो, ये हैबिट डेवलप हो जाती है। तो अगर आप पूरी तरह से तल्लीन हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं किसी काम में, तो जाहिर है वो काम
मतलब बहुत अच्छा ना हो लेकिन फिर भी एवरेज से अच्छा तो जरूर होगा। हर आदमी एकदम फर्स्ट आए ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन उसका माइंड फोकस्ड वे में काम करता हुआ एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी अभिनय योग एक बहुत अच्छा सिस्टम है। उसमें आप मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं, और जब माइंड फोकस है तब आपको पता चलता है कि मेरा माइंड फोकस है, इस समय मुझे स्टडी करना चाहिए, तो उस वक्त वो स्टडी करे, चीजों को रखे, लिखे, याद करे, तो वो जल्दी याद हो जाती है, ऐसा है। बिल्कुल बच्चों, ये जो सर ने बताया, एक्चुअल में आज सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, जस्ट बिकॉज के हमारे अंदर, जैसे कहते हैं, आपने कई बुक्स में भी पढ़ा होगा कि एक ह्यूमन अपने ब्रेन का मुश्किल से कुछ 1% 2% ब्रेन को यूज कर पाता, और जो पूरा जो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है ना, तो आपको प्रैक्टिस करने से ही सीखते हो। जैसे ललित सर ने एक नए तरह का प्रोग्राम बनाया जिसे अभिनय योग कहते हैं। वो अभिनय योग आपकी कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को बढ़ाने के लिए बना हुआ है, कि कैसे आप अपना फोकस बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं। और ये यही नहीं रुकता, ये सफर आने वाली पूरी जिंदगी आपका चलता रहता है हर एक चीज के लिए। और एक और बात सर ने मुझसे शेयर की थी कि कुछ बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और जिनकी लगन है, जिनके अंदर टैलेंट है एक्टिंग के अंदर भी, कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, राइट सर? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभिनय योग का जो पहला फेज है वो तो ट्रेनिंग ऑफ एन एक्टर ही है। ट्रेनिंग ऑफ एन एक्टर। तो सर, ये कोर्स अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे, और कैसे ज्वाइन करे, मतलब व्हाट इज द मेथड के आपको कैसे? तो हम ऑन एंड ऑफ वर्कशॉप्स करते रहते हैं। जैसे अभी हम 15-16 जनवरी को एक वर्कशॉप कर रहे हैं, 3 दिन का। ओके। और हाँ, उसके अलावा हम मतलब फेसबुक पे, ऑनलाइन वर्ल्ड पे, डिजिटल वर्ल्ड में अनाउंस करते रहते हैं, तो जिनको भी जैसे पता चलता है वो हमसे संपर्क कर लेते हैं, और फिर हम वर्कशॉप्स और क्लासेस के जरिए, अभी तो ऑनलाइन कल्चर ही है, अभी तो चूंकि ज्यादा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, तो हम ऑनलाइन ही अभी सिखा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा चीजें बेटर हो जाएंगी हम लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, बट फिलहाल ऑनलाइन तो चल ही रहा है। जैसे अभी 15-16-17 का एक ऑनलाइन वर्कशॉप है 3 दिन का। ओके। तो अगर कोई बच्चा इसमें भी इंटरेस्टेड लेना चाहे, इंटरेस्टेड है, तो मैं आपके थ्रू जो है पोस्टर या दूसरी चीजें भेज सकता हूँ और वो संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल बच्चों, एक सर का प्रोग्राम हो रहा है 15th से, मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए आपको 3 दिन का, और 3 दिन के उस एक्सपीरियंस के अंदर सर कुछ ऐसे टूल्स बताएंगे। देखो यार, ऐसा होता है कि एक आदमी जब सफलता पाता है तो उसके पीछे कुछ उसके ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ इथिक्स होते हैं जो उसे आगे तक लेकर जाते हैं। आपसे सर वो चीजें शेयर करेंगे जो सफल बनने में आपकी मदद करेगा, तो आप वो प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं जो 15 से हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर, इस वीडियो में, वो जो सर आप पोस्टर देंगे उसे लगा दें, ताकि हमारे बच्चों को सुविधा हो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, है ना? आई विल शेयर दैट पोस्टर और इवन योर ईमेल आईडी आल्सो। तो सर, इस प्रोग्राम की, जैसे अभी फिलहाल हम जो 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ही हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या, मतलब कुछ फीस वगैरह इस तरीके की नॉमिनल है, ताकि जो अफोर्ड कर पाए सर बच्चे? हाँ हाँ, ये तो नॉमिनल फीस है। हम चाहें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ ये 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इसके लिए तो स्पेशल क्लासेस हम कर सकते हैं। 8 लाख में से बारी बारी से 10-20-50 लोग ज्वाइन हो जाएं, तो हमारी फीस तो बहुत ज्यादा नहीं है। हम तो जैसे अभी ये 3 दिन का कर रहे हैं तो 750 रुपीज ही चार्ज कर रहे हैं, नॉमिनल फीस है। हाँ, उसके अलावा जो हम एक रेगुलर 1 मंथ का एक पैकेज करते हैं, सैटरडे संडे वाला, 8 दिन का, तो वो भी 3,000 रुपए है उसका चार्ज। ओके। तो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो एनीवन कैन अफोर्ड इट। और 8 सेशंस, हाँ राइट, महीने में 8 सेशंस मिलते हैं। जी जी राइट। तो मेरी ख्याल से बच्चों आपको ट्राई करना चाहिए, बॉलीवुड के इतने बड़े सेलिब्रिटी आपको खुद सिखाएंगे एक सेशन में, तो ये एक बड़ी बात है। तो सर, कुछ अपना कोई एक्सपीरियंस और शेयर कीजिए, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ हो, या किसी रोल के टाइम पे, या अभी हम लोगों ने एक हर्षद मेहता का 1992 वाला स्कैम देखा था, तो वो सब बनाने में वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, हमारे बच्चों को बताइए सर प्लीज। हाँ देखिए, हर शूटिंग में तो नए नए एक्सपीरियंसेस होते ही हैं। ये स्कैम 92 में भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए थे,
चूंकि उसमें ऐसा एक दो बार हुआ कि वो पीरियड फिल्म है, पीरियड सीरियल है, यानी 90s का दिखाया गया है, तो उसमें एक दो बार ऐसा हो जाता था कि सेट में कुछ वैसी चीज आती थी कि जो 90s की नहीं है, यानी 2020 की है, कोई फर्नीचर में कुछ ऐसा आया या केबल दिखाई दी, तब तक केबल नेटवर्क शुरू नहीं हुआ था, तो कई बार ऐसा हो जाता था उस लोकेशन में, तो फिर आपस में एक टेंशन हो जाती थी, फिर कैसे उस एंगल को बदलते थे और किस तरह से उसमें एक चेंज लाते थे और पूरी टीम किस तरह मुस्तैद होके काम करती थी इस चीज का ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी बात न दिखे कि हम 90s को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसमें जो मेहनत हुई है उन सब की और उसमें जो मजा भी लिया है टीम ने, वो बहुत अद्भुत रहा है। Yes, sir. हाँ, और ये आसानी से समझ नहीं आएगा क्योंकि आप फ्लो में सीरीज को देखते हो, लेकिन आप ध्यान से देखें तो पूरी सीरीज 90s का लुक लेके चली है और उसको मेंटेन करने में कैमरा डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और वो चैलेंज बहुत बड़ा था, आए दिन हर दिन एक मुश्किल होती थी और उसको सॉल्व करने में ये टीम बड़ी मेहनत करती थी, तो उसमें मजाक वजाक भी होते रहते थे, जोक्स भी क्रैक होते थे, हंसते भी थे एक दूसरे पे, That part was also fun. बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जैसे सर ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए, एक एक्सपीरियंस और था जो मुझे सर ने बताया जो मेरी लाइफ में भी बहुत काम किया। एक था कि इमेजिन कर लो बच्चों कि आपके सामने कोई कैमरा लगा हुआ है तो आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। सर प्लीज थोड़ा सा वो बताएंगे बच्चों को कि वो टेक्निक वो अभी से कैसे यूज करें ताकि उनका फोकस बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए। हाँ, ये अभिनय योग की एक टेक्निक है जिसे हम कंसंट्रेशन वाली टेक्निक कहते हैं, एक्शन एंड कट। तो जैसे शूटिंग में होता है, एक्शन एंड कट से ही काम चलता है, पहले सीन को रिहर्स किया जाता है, सीन को लिट अप किया जाता है, कैमरामैन उसको लाइटिंग करता है, फिर एक्टर्स लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कोई एंट्री ले रहा है, कोई एग्जिट ले रहा है, ये सबकी रिहर्सल हो गई, फिर जब शूट होता है तो डायरेक्टर एक्शन बोलता है, कैमरा रोल हो जाता है, साउंड भी रोल हो जाता है और एक्टर्स लोग अपना काम करते हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ, और फिर जब वो शॉट जहां तक था वहां तक जब रखा जाता है तो डायरेक्टर कट बोलता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल एक्टर्स की लाइफ में ये बात कही जाती है कि एक्टर की जिंदगी एक्शन और कट के दायरे में है। अब मैंने इसी चीज को एक्सटेंड किया कि हम अगर पूरा 24 घंटे एक्शन एंड कट के दायरे में रहें तो हमारा जीवन और अवेयर हो जाएगा, जो हम खुली आंख से भी कई बार बेहोश हो जाते हैं या खुली आंख से ही हम अनअटेंटिव हो जाते हैं, वो होना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए जो मेथड है वो यही है कि आप सुबह उठते ही एक इमेजिनरी कैमरा कंसीव करें कहीं भी, और वो आपके साथ चल रहा है जहां भी आप जा रहे हैं, चाहे आप किचन में जा रहे हैं खाने के लिए, या आप ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, या वॉशरूम में जा रहे हैं, और घर से नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, बस में जा रहे हैं, क्लासरूम में है, स्कूल में है, प्लेग्राउंड में है, घर वापस आ गए, पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, सो रहे हैं या सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी सारी जो एक्टिविटीज आदमी करता है सुबह से शाम, उसको एक कैमरे इमेजिनरी कैमरा को रखते हुए करें तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक अलग किस्म की अवेयरनेस डेवलप होगी, आप एक अलग तरीके से अलर्ट फील करेंगे। फिर इसको और ही इंटरेस्टिंग गेम की तरह बना सकते हैं कि कई बार सिर्फ आप एक क्लोजअप ले रहे हैं अपने फेस का ही क्लोजअप ले रहे हैं सुबह शाम, या अपने हाथों का ही क्लोजअप ले रहे हैं, कुछ 2 घंटा आपने सिर्फ अपने हाथ को ही वॉच करना है, ऐसा सोचा कि मैं देखूं मेरा हाथ कैसे चलता है जब मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, तो एक एक अंग को आप फोकस बनाते हुए चल सकते हैं, और इससे धीरे धीरे एक तो आप अपने नजदीक आओगे, अपने शरीर और अपने मन के नजदीक आओगे, और धीरे धीरे अपने ब्रेथ के नजदीक आओगे क्योंकि वही है आप, और इससे धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, आप इंटेंस फील करोगे, और जो पूरी योगिक क्रियाएं हैं या जो स्पिरिचुअल एक टीचिंग है कि लिविंग इन द मोमेंट जिसे कहते हैं, या वर्तमान में रहने की कला जो है, वो इससे आप और सीखेंगे। हमारी जो इनअटेंटिवनेस है या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फोकस है, उसमें 2 बाधाएं अक्सर है, ये मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, वो ये है, जो 2 डिस्टर्बेंसेस है वो है पास्ट का वरी, बीते हुए कल की चिंता, और आने वाले भविष्य की चिंता।
ये दोनों ही आपके लाइफ को या आपके माइंड को, आपके मेंटल वर्ल्ड को इस मोमेंट से दूर ले जाती है। तो ये जो वर्तमान का मोमेंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण मोमेंट है। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई, इससे आपके माइंड को और आपके बॉडी को एक हैबिट लग जाएगी कि आपको वर्तमान में ही रहना है। अभी आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय ही पिए। अब आप चाय पीते पीते अगर कैमरा लगाया तो आप थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस होंगे, तो आपको आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से ये हाथ से कप उठ रहा है, कप नीचे आ रहा है, ये लिप तक गया, ये लिप तक नीचे आया, और धीरे धीरे ब्रेथ पे भी आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फालतू के विचार नहीं आएंगे कि कल दो दिन पहले मेरे को इस दोस्त से झगड़ा हुआ था, तब उसने ये बोला था और मैं अब ये बोलूंगा, ये बातें बंद हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा जो थिंकिंग वर्ल्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ी मशीन है। तो उस मशीन को समझते हुए अगर हम छोटे छोटे क्रियाओं से इसको समझें तो हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। अब मैंने एक्टिंग की जो विधा इसमें डाली है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक्टर जब भी काम करता है प्रैक्टिकल काम, मैं उसके डेली लाइफ की बात नहीं करता हूँ, बहुत एक्टर्स तो बहुत लेजी भी होते हैं और बहुत टेंशन भी रहते हैं, लेकिन लेजी से लेजी एक्टर जब शॉट देता है, जब कैमरे के सामने होता है, वो बहुत इन्वॉल्व होता है, तभी वो एक्टिंग कर पाएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो पूरी तरह से तन मन से वो पूरी तरह उसी मोमेंट को जी रहा होता है, चाहे वो कोई भी रोल करे, नौकर का हो, मालिक का हो, बॉस का हो, जूनियर का हो, गुस्सा करे, प्यार करे, नफरत करे, कोई भी फीलिंग हो, तो वो अच्छा तभी कर पाएगा जब पूरी तरह से उसमें घुस जाएगा। तो इसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए अभिनय योग की ये मेथोडोलॉजी को डेवलप किए कि एक इमेजिनरी कैमरा रखें और धीरे धीरे पहले बॉडी से अवेयर हो जाएं, बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए, और चूंकि बॉडी भी कम्युनिकेट करती है और बॉडी भी एक जीवित चीज है, बॉडी अपने आप में एक आइडेंटिटी है, फिर बॉडी के साथ माइंड है, और हम जो भी एक्शन करें उस एक्शन में फोकस्ड रहें, देखें अपने आप, ये जो देखने की क्रिया है, अपने आप को देखने की क्रिया है, ये धीरे धीरे आपको फोकस्ड ट्रैक पे लेना शुरू करेगी। और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में वर्तमान क्षण को आप जी सकें ऐसा बना दें, तो उससे रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। बिल्कुल बच्चों, ये सर ने बहुत बड़ी बात बोली, बहुत कम शब्दों के अंदर आपको एक चीज सिखाई कि एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी लाइफ को बदल सकती है। कुछ हो ना हो, ये एक्टिविटी जरूर अपनी लाइफ में आज से ही लेकर आकर देखो, देखो क्या फर्क पड़ता है आपके लिए। ये कॉन्शियसनेस कैसे आपके फोकस को बढ़ा सकती है, कैसे आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ा सकती है, वर्क लाइक एन एक्टर। और सर मैं यही बोलूंगा कि आज आपने अपना इतना कीमती समय इन बच्चों के लिए निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है, और अपनी कुछ लाइफ की जो दिल की बातें हैं वो आपने बच्चों से कुछ शेयर किए हैं, कुछ टिप्स भी दी हैं, तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन में बस मैं इतना सा कहना चाहूंगा सर, जब एंड करें तो एक आप वो ही कोई ऐसा डायलॉग बोलें जो बहुत फेमस सा और बच्चे मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल फील करें, जैसे शक्तिमान बोल सकते हैं आप। तो शक्तिमान के ही डायलॉग की बात कर रहे हैं आप। तो आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद, और मैं दिल से चाहूंगा कि इतने बच्चे भी हैं यहाँ पे, 8 लाख स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स सब मिला के होंगे, कि एक वर्कशॉप या फ्री सेशन एक हो, ताकि उसके बाद हम देखें कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होना चाहे वो लोग आए और इसको अपने जीवन में उतारें और देखें आपके जीवन में किस तरह की तब्दीली आती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये सौभाग्य होगा हमारा और बच्चों का भी कि आपसे खुद सीखें। देखिए बच्चों, एक्टिंग तो आप कहीं भी जाकर मतलब हो सकता है कोई कोर्स करें, कोई चीज करें, लेकिन बॉलीवुड के खुद दिग्गज आपको सिखाएंगे कुछ ऐसी टेक्निक जो एक्टिंग स्किल आपकी पढ़ाई में काम होती है, तो ये बड़ी बात है। तो बच्चों जरूर इस कोर्स को आप एनरोल कीजिए, इस कोर्स की जो पेम्पलेट होगी वो हम इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर भी कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच ललित सर, थैंक्स फॉर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।